जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात या जलप्रपातों की, और उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ काफ़ी चर्चित जलप्रपात जैसे कि नियाग्रा और विक्टोरिया जलप्रपात, इनके बारे में। तो वेलकम टू गोपाला स्टडी विद मस्ती यूट्यूब चैनल दोस्तों, और जैसा कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट हर बार रहती है, इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनको उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करने के 2 या 3 सेकंड बाद एक छोटा सा बेल आइकन का नोटिफिकेशन आता है, उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। उससे होता है ये है कि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को तुरंत तुरंत देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। विश्व के सबसे ऊँचे जलप्रपात में से सबसे पहले नंबर में आता है एंजेला जलप्रपात। एंजेला जलप्रपात का फोटो आप देख सकते हैं जो कि इस वीडियो में दिखाया गया है, और ये जो जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है ये ऑक्सफर्ड की साइट से भी कलेक्ट किया है और कुछ एटलस से भी मिला के मैंने ये डाटा तैयार किया है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। इसकी अवस्थिति या स्थिति कहाँ पे ये स्थित है, तो ये आयन टेपुएई काना इमा राष्ट्रीय उद्यान वेनेजुला में स्थित है। इसका जो स्रोत या जो नदी है वो रियो कारोनी की ऊपरी सहायक नदी है। इसकी कुल ऊंचाई जो है 979 मीटर है, और अगर फीट में बात करें तो 3212 फीट दोस्तों। प्रपातों की यहाँ पर कुछ टोटल जो संख्या है वो 47 है, और सबसे ऊंचा जो प्रतापखंड है वो 807 मीटर ऊंचा है। और इस पर थोड़ी सी टिप्पणी है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात वेनेजुला के बोलीवर राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कानाई राष्ट्रीय उद्यान में आयन टेपुई पर्वत से गिरता है। इसके बाद दूसरा जो जलप्रपात है वो टुगेला जलप्रपात है दोस्तों। इसकी अवस्थिति है नताल नटाल उद्यान दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। इसका जो स्रोत है वो टुगेला नदी है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई है 947 मीटर। तीसरा जो जलप्रपात है यूटीगार्ड जलप्रपात, ये नॉर्वे में स्थित है, और इसका जो स्रोत है ग्लेशियर स्ट्रीम है, ये ग्लेशियर से निकलता है, और इसकी ऊंचाई 800 मीटर है दोस्तों। चौथा है मोंगे जलप्रपात, यह मार्सिटिव नॉर्वे में स्थित है, और इसका स्रोत है मोंगेबेक नदी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 774 मीटर है। पांचवा जो जलप्रपात है वह है गोक्टा कटराटेक्स जलप्रपात, ये चाचा पोयास पेरू में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 771 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं छठे की, गुटाराडजी जलप्रपात जो कि एन्यांगा राष्ट्रीय उद्यान जिम्बाब्वे में स्थित है। इसका स्रोत गुटाराडजी नदी ही है, और ये 762 मीटर ऊंचा है। इसके बाद हम बात करते हैं येसेमाइट जलप्रपात की। ये जो जलप्रपात है आप फोटो में देख सकते हैं, ये है येसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान कैलिफोर्निया में, और इसका स्रोत भी येसेमाइट क्रीक करके नदी है वो है, और इसकी कुल ऊंचाई 739 मीटर है दोस्तों, 2425 फीट। यहाँ कुल प्रतापों की जो संख्या है वो 3 है। अब हम बात करेंगे एक भारत का एकमात्र जलप्रपात जो कि एशिया का भी सबसे बड़ा जलप्रपात की गिनती में आता है, जिसको जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों फोटो में, यह ये चार जलप्रपात चार धाराएं गिरती है जिससे ये जलप्रपात बनता है। इसकी अवस्थिति जो है वो कर्नाटक भारत में, स्रोत इसका सारावली नदी है, और इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। इसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि सिरोमा कर्नाटक से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एशिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला जोग जलप्रपात कर्नाटक का मुख्य पर्यटक स्थल और आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। जोग प्रपात कर्नाटक में सरावती नदी पर स्थित है। यह चार छोटे प्रपातों राजा राकेट रोरर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इसका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जरसप्पा भी है। अन्य महत्वपूर्ण जो दो जलप्रपातों की मैंने यहाँ चर्चा की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका का नियाग्रा, जो कि आप देख सकते हैं चित्र में नियाग्रा जलप्रपात ये कनाडा और अमेरिका की जो बॉर्डर है बॉर्डर लाइन बनाता है, और वहाँ पे ये बहुत ही मनोरम दृश्य बनाता है।
ये अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटेरियो प्रांत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 167 फीट है दोस्तों। और इसके बारे में कुछ जानकारी है कि नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारिया और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित नियाग्रा नदी में बना है। यह जलप्रपात न्यूयॉर्क के बफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और कनाडा के टोरंटो ओंटारिया से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके अलावा जलप्रपात वो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जो कि दक्षिण अफ्रीका का काफ़ी चर्चित जलप्रपात है, यह आप वीडियो में फोटो में देख सकते हैं। इसकी अवस्थिति है दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, और इसकी जो नदी है स्रोत है जेम्बेजी नदी है। इसकी ऊंचाई 108 मीटर है। विक्टोरिया जलप्रपात जैसे स्थानीय भाषा में मोसी ओला तुन्या कहा जाता है, अफ्रीका की जेम्बेजी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर और आपकी कोई और क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। मैं आपका जो रिप्लाई है वो तुरंत देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।